हे गाइस वेलकम बैक टू टुडे स्टडी। कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस देखो, एयरफोर्स ग्रुप वाई का जो मैं प्रीवियस ईयर का जीके आपको दे रहा था, मैंने बोला था पार्ट फोर दूंगा उसका, लेकिन देखो पार्ट थर्ड में मैंने सारी जीके मैंने कंप्लीट करा दिए, जो कि जितने भी मेरे पास थी अब तक जो मिले हुए थे जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैंने तीन पार्ट के अंदर ही खत्म कर दिया। अगर आपने पार्ट वन टू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। इसके अलावा आप अगर नेवी SSR डबल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए मैंने दो मोटिवेशनल वीडियो दिए थे, उसको नहीं देखा तो जाके देखना। और एयरफोर्स के दमदार वीडियो मैं लाने वाला हूँ, खास करके उन कैंडिडेट्स को जो कि पढ़ाई से आनाकानी करते हैं, मतलब पढ़ाई से रिश्ता कमज़ोर करके रख दिए हैं, ठीक है, और प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी आ रही है। तो एक बार उस मोटिवेशनल वीडियो को देखना ज़रूर, आपकी आँखें खुल जाएगी किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, आपको पता चल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो गाइस एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, बिकॉज ये तीनों डिफेंस की डे जो है ना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये अल्टरनेट करके एग्जाम में पूछी जाती है। नेवी में नेवी का पूछ दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी, चाहे MR SSR AA या फिर वाई ग्रुप के एग्जाम, तो किसी में भी पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई भी, ठीक है। तो नेवी का 4 दिसंबर को, आर्मी का 15 जनवरी को, ये समझ लो। पहले मनाया जाता है इंडियन आर्मी को, ठीक है, 15 जनवरी को, फिर मनाया जाता है एयरफोर्स को, ठीक है, फिर मनाया जाता है आपका नेवी को 4 दिसंबर को, इस तरीके से याद रखना। अगर मंथ में कन्फ्यूजन है तो, पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन थी या फिर कौन है? तो ये जस्टिस ताहिरा इनका नाम है, जिनको पहली बार जज बनाया गया पाकिस्तान में, इनसे पहले कोई भी फीमेल जस्टिस नहीं थी वहाँ पे। एशिया कप विनर कंट्री से पूछा गया था, मतलब एशिया कप का विनर कौन था 2018 में, तो गाइस वहाँ पे दो कंट्रीज पहुँचे थे फाइनल में, जहाँ पे इंडिया जो था जो कि विनर था, और बांग्लादेश को उसने हराया था, सेकंड विनर बोल सकते हो आप, सेकंड रनर। कैपिटल ऑफ क्यूबा, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना है, ठीक है। और देखो कैपिटल ऑफ कंट्रीज की एक लिस्ट मैं आपको एग्जाम से पहले दे दूंगा, आप जरूर उसको याद कर लेना। एयरफोर्स में कितने कमान होते हैं? तो 7 कमान होते हैं, जैसा कि आपको पता है। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड बहुत बार मैंने पहले भी पढ़ाया था एग्जाम से पहले भी, तो ये बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, ठीक है, मतलब ये स्टैचू है किसकी? तो उनकी है, जिसका मैंने नाम लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कहाँ पे? तो गुजरात में बनाया भाई, ये तो पता है किस स्टेट में है। और मीटर में पूछेगा तो 188 मीटर, मतलब 182 मीटर, अगर इसको फीट में पूछ दे तो 597 फीट। अब ये दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऑप्शन पे, ओके। तो आपको दोनों याद करना होगा, 182 मीटर और 597 फीट, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने ईयर का होता है? तो मैंने इसके लिए जो MR का में जो साइंस का या फिर GK का क्वेश्चन दे रहा था उसमें मैंने बताया था कि राज्यसभा का ही जो होता है ना 6 वर्ष का, बाकी सबका कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो ना तो MR का जो GK देता हूँ वो एयरफोर्स के कैंडिडेट भी देखेंगे, नेवी के स्टूडेंट भी देखेंगे, इस चीज़ ध्यान देना। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? देखो पुराना ग्रंथ यहाँ पर अगर पूछेगा तो आपको महाभारत करना है, ठीक है। अगर सबसे पुराना वेद पूछेगा तो आपको ऋग वेद करना है, प्राचीन या फिर पुराना। सबसे पुराना पुराण पूछेगा तो वहाँ पे आपको मत्स्य पुराण करना है, ये न ये वाला होगा ना, मत्स्य पुराण, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान देखना, एक पुराण होता है विष्णु पुराण, वो किस राजाओं से, राजाओं की वंशावली से संबंधित है, वो कमेंट करके बताना, या फिर मत्स्य पुराण किसकी राजाओं की वंशावली से संबंधित है। अगर आपका आंसर गलत हुआ कमेंट में तो सही आंसर मैं आपको बता दूंगा बिना नेट का सहारा लिए। अगर आपको आंसर पता है, डाउट में भी हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करो। अगर नहीं पता है तो फिर आप सहारा लेते रहो नेट का या फिर बुक का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था या फिर कहाँ हुआ था, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, तो दोनों याद कर लो। ये 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईस्वी मनी 563 ईसा पूर्व में हुआ था आपका लुम्बिनी में, ठीक है ना, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्राजील के राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि जेयर बोलसोनारो, ठीक है, जेयर बोलसोनारो इनका नाम है, वो अभी भी रिसेंटली और जो एग्जाम के टाइम पे भी यही राष्ट्रपति थे और अभी भी प्रेजेंट में भी यही है राष्ट्रपति ब्राजील के। अभी क्वेश्चन क्या है, महाबलीपुरम किसके शासनकाल का मंदिर है? ये पल्लव राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया, तो जाहिर सी बात है उनके शासनकाल का था क्योंकि इन्होंने बनवाया था, ठीक है। सोरा किस देश की संसद है, जैसे हमारे देश में संसद को क्या बोलते हैं भाई, पार्लियामेंट, या फिर हिंदी में संसद बोलते हैं, वैसे हर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से बोला जाता है। मैंने ये MR का जब प्रैक्टिस सेट करा था अभी रिसेंट, मतलब कुछ दिन पहले, तो मैंने बताया था उसमें बहुत सारे कंट्रीज का। तो यहाँ पे सूरत जो है आपका अफगानिस्तान का है, वैसे ही आपको बहुत सारे पीपल असेंबली किस कंट्रीज का है कमेंट करके बताना। दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, पहला मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण दोनों अलग अलग राजाओं की वंशावली से बिलोंग करते हैं, तो बताना किन किन राजाओं की। दूसरा ये
कि पीपल्स असेंबली किस देश की संसद है, मैंने ये पढ़ाया था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो कोशिश करना इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर दोगे कमेंट करके मुझे, ओके। सो गाइस यहाँ पर वीडियो बहुत लेंदी नहीं है, इतने पे हम खत्म करते हैं, आपका टाइम बचेगा और हम जो कंटिन्यू करेंगे एयरफोर्स और नेवी की क्लास को, ठीक है। साथ साथ में हम एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स को भी लेके चलेंगे। अगर आपको कोई फ्रेंड सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको शेयर कर बता देना इस चीज़ को, और अगर आप सीपीओ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप उसकी इंग्लिश की जो वीडियोस मैं दूंगा आप जरूर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत ही बेहद मतलब फायदेमंद साबित हो सकता है। गुड बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।